तो गाइस यार, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है उस वक्त से जब मैं 7 वर्ष का था। उस वक्त मैं बहुत छोटा था। हाँ, बचपन में सब छोटे होते हैं, लेकिन मैं थोड़ा बड़ा था। उस वक्त मुझे रिमोट कंट्रोल गाड़ियों का बहुत शौक था, तो उस वक्त मैं एक रिमोट कंट्रोल कार लेकर आया था। उसे चलाकर मैं बहुत खुश था, लेकिन वो अचानक चलती चलती एक दिन बंद हो गई। मैंने उसको चेक किया तो पता चला कि इसकी बैटरी ख़त्म हो गई है। उस वक्त मेरे पास और इतने पैसे नहीं थे कि मैं और दूसरी बैटरी परचेज कर सकूं, तो मैंने उस कार को वापस डिब्बे में पैक किया और गड्ढा खोदकर दफना दिया। और फिर मैंने फैसला किया कि मैं एक ऐसी कार बनाऊंगा जो रिचार्जेबल हो, उसे हम जितना चाहे उतना चला सके और बार बार में चार्ज कर सके। ओ गाइस, ये रही वो कार जिसे मैंने 10 साल पहले दफन किया था। तो चलिए लेकर चलते हैं इसे अपने वर्कशॉप के अंदर और इसको मॉडिफाई करते हैं। तो गाइस यार, ये है रिमोट कंट्रोल कार जो कि कुछ इस प्रकार के सेल से चलते हैं, डबल एसआईजी बैटरी से, जो कि चार्जेबल नहीं होते। इसलिए अब हम इसको बनाएंगे चार्जेबल कार। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको उल्टा कर लेते हैं और इसके अंदर चार स्क्रू है उन्हें खोल लेते हैं। और यहाँ पर खुल चुके हैं इसके चारों स्क्रू, वो निकाल लेते हैं। तो अंदर से कुछ इस प्रकार की दिखती है गाड़ी। तो सबसे पहले तो हमें इसके अंदर ये फीमेल चार्जिंग जैक है, इसे लगाने के लिए इस पर होल करना होगा। इसे हम इस तरफ साइड में लगाएंगे ताकि इलेक्ट्रिक गाड़ी की तरह ही इसका लुकाए। इस पर छेद कर लेते हैं, इसे यहाँ पर होल कर लेते हैं इसके। इस कार के यहाँ पर फीमेल चार्जिंग जैक लगा दिया है, तब इसे साइड में रख देना है और इस गाड़ी को लेना है और इसके बैटरी के अंदर जो वायर जुड़ते हैं इन दोनों को अलग कर लेना है, इसको और इसको। ये प्लस वाला वायर है और ये माइनस वाला। और अब हमें इसके अंदर एक लिथियम बैटरी ले ली है जो कि चार्ज हो सके। ये मोबाइल की बैटरी है, इस पर हमने ये वायर कनेक्ट कर लिए और इन दोनों वायरों को इस पर प्लस माइनस का पूरा ध्यान रखकर जोड़ देना है। यहाँ पर बैटरी कनेक्ट हो गई है, एक बार इसे चला कर देख लेते हैं। ये स्विच ऑन किया, हाँ लाइट तो जल गई और अब मोटर अच्छी तरह चल रही है। तो स्विच को ऑफ कर देते हैं और अब हमें एक डायोड लेना है जिसका ये वाइट वाली पट्टी होती है जो होता है माइनस की तरफ। तब इसको ये पॉजिटिव वायर है उसके अंदर लगा लेना है यहाँ से। ये डायोड हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम इसके अंदर एलईडी लाइट लगाएंगे तो एलईडी लाइट हमेशा जलती ना रहे। तो हमने यहाँ पर डायोड लगा दिया है और अब इस पर एलईडी कनेक्ट करेंगे। एलईडी का प्लस वाला पॉइंट प्लस पर और माइनस वाला माइनस पर। यहाँ पर हमने एलईडी लाइट को भी कनेक्ट कर दिया है और अब हमें यह चार्जिंग जैक है इसके वायर्स को भी जहाँ पर एलईडी को लगाया एलईडी के पास में यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। तो फाइनल गाइस, अभी हमारी कार इलेक्ट्रिक चार्जेबल कार बनकर एकदम तैयार हो चुकी है। एक बार इसका सिस्टम बताते हुए हमने क्या क्या लगाया इसके अंदर। ये लगाया है फीमेल जैक और सीधे इसके वायर जाकर इस एलईडी में मिल रहे हैं। और एलईडी से एक लगाया हमने डायोड जो कि यहाँ पर जा रहा है सीधे पॉजिटिव वायर में, ये मदरबोर्ड है इसके पॉजिटिव वायर में। और एक वायर जा रहा है नेगेटिव जो कि जा रहा है इसके नेगेटिव वायर में मदरबोर्ड के में, और एक इस बैटरी के नेगेटिव वायर में। इस बैटरी को यहाँ पर कहीं पर सेट कर देते हैं, यहाँ पर सही रहेगी। और मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया है। तो यही सिंपल सा चार्जिंग सिस्टम हमने इसके अंदर लगाया है। तो अब इसको टैप कर देते हैं इस जॉइंट पर, तो यहाँ पर पूरा काम हो गया है। और अब इसको सिंपली बंद कर देते हैं, यहाँ पर हो गई कार बंद। और अभी लगा देते हैं इसके स्क्रू। और गाइस, फाइनली हमारी इलेक्ट्रिक चार्जेबल कार बनकर एकदम तैयार हो चुकी है। यहाँ पर इसका चार्जिंग पॉइंट है, तो चलिए इसे चार्जर लगा कर देखते हैं। ये रहा चार्जर, आपको चार्जर को देखकर आपको शर्म आ सकती है। और ये देखिए, आप यहाँ पर लाइट जलने लग गई इसके अंदर, मतलब ये चार्ज हो रही है। तो टकाटक हमारा काम हो चुका है और कहीं ना कहीं इसकी पावर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब अभी देखना आप, ये कार ऑन हो गई, अभी देखना आप। पहले पीछे से कोई हाथ लगा लेता तो कार बिल्कुल मूव नहीं करती, लेकिन अब देखिए कितना प्रेशर डाल रही है। वाह यार, ये पावरफुल बन गई और साथ ही साथ चार्जेबल इलेक्ट्रिक कार भी बन गई है। वाओ, तो गाइस यार, यहाँ पर हो चुका है मेरे बचपन का सपना पूरा। मैंने इस कार को बना दिया है चार्जेबल इलेक्ट्रिक कार। अब इसमें बार बार बैटरीज बदलने की जरूरत नहीं है, बस अब इसे चार्ज करो और बहुत चलाओ। तो गाइस यार, बस आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदुस्तान।